हेलो एवरीवन, दिस इज रुपेश मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर चैनल दैट इज़ मैथ वैथ। चलिए हम लोग डायनेमिक्स में जैसा कि चैप्टर नंबर 4 कवर कर चुके थे, है ना, जो कि इम्पैक्ट था उसको हम लोगों ने पूरा कवर किया है। कॉन्सेप्ट वीडियो भी बताए हैं जिसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताए ढेर सारे, प्लस एक MCQ का बहुत ही ज़बरदस्त MCQs है उसमें, वो वीडियो हम लोगों ने पढ़ा है। आई होप कि आप सभी ने वो सारे वीडियो देख लिए होंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर है मोमेंट्स एंड, हालांकि ये भी डायनेमिक्स का ही पार्ट है, मैकेनिक्स में डायनेमिक्स का पार्ट है, मोमेंट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया कॉमा प्रिंसिपल एक्सेस। तो ये क्या है चलिए देखते हैं। वैसे आपने इसके बारे में क्लास 12th में भी पढ़ा होगा, अब यहाँ पे भी वैसा ही कुछ पढ़ना है, थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे एक्स्ट्रा हो जाती हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट 80% सेम ही रहता है आपका, लेकिन चलिए कुछ नया अंदाज नए तरीके से आप सुनेंगे क्योंकि आप मुझसे पहली बार ही पढ़ रहे होंगे, हो सकता है। तो देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ये किस बात को मेजरमेंट करता है, क्या करता है ये, तो देखिए सबसे पहले तो एक हम लोग बॉडी की बात कर लेते हैं। लेट्स से हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, और उस बॉडी पे एक फिक्स हम लोग पॉइंट बना लेते हैं, फिक्स पॉइंट कह लो चाहे एक फिक्स लाइन बना लेते हैं, ठीक है, फिक्स पॉइंट पर फिक्स लाइन बना लेते हैं, दिस इज अ फिक्स्ड लाइन, ठीक है, ठीक ना। इस बॉडी का टोटल मास कैपिटल M ले लेते हैं और इस फिक्स्ड पॉइंट O से थोड़ी सी दूरी पर एक छोटा सा इस बॉडी का पार्ट ले लेते हैं, इस बॉडी का छोटा सा पार्ट ले लेते हैं, और ये जो दूरी है, डिस्टेंस हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं, लेट्स से ये जो डिस्टेंस है वो R ले लेते हैं, R स्टैंडर्ड है इसलिए R ले ले रहे हैं, और कुछ भी होता तो वो भी ले लेते, ठीक है। तो ये जो छोटा सा मास है इसे हम लोग इसका नाम एलिमेंटल मास बोलते हैं, एलिमेंटल मास, ठीक है, इसे स्मॉल m से ले लेते हैं, डिनोट कर लेते हैं, ठीक है, स्मॉल m ले लेते हैं इसके लिए, ये स्मॉल m है इसका मास, ठीक है। इसके डिस्टेंस यहाँ से O यानी ओरिजिन से हमारा O है, कोई तो फिक्स पॉइंट मानना पड़ेगा ही जहाँ से हम लोग डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है ना, ओके। अब मैंने बोला कि जो एक प्रोडक्ट होता है, क्या प्रोडक्ट होता है, m मास जो हमारा एलिमेंटल मास है और उसके उसकी जो डिस्टेंस है हमारे फिक्स्ड पॉइंट से उसका स्क्वायर, और इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट कर दें, ठीक है, तो प्रोडक्ट करने से जो ये प्रोडक्ट जो मिलके आता है, और ऐसे यहाँ पे जितने भी मासेस होंगे, कितने मासेस होंगे भाई, एलिमेंटल तो बहुत सारे होंगे, ये तो छोटा सा, हमने एक छोटा सा मास ले रखा है ना, ये तो हमारा क्या होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, कई सारे होंगे, ढेर सारे होंगे, ठीक है, बहुत सारे होंगे, क्योंकि भाई बहुत छोटे छोटे स्मॉल मासेस से ही मिलकर के तो ये कैपिटल M बना होगा, है ना। सो अभी देखिए जो हमारा कैपिटल M है वो आप कह सकते हो कि जितने भी हमारे छोटे छोटे मासेस हैं उन सारे मासेस को हम जोड़ दें तो पूरा मास आ जाएगा, तो वो जोड़ने के लिए हम लोग एक ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, सिग्मा। तो सिग्मा M के प्लेस पर हम लोग कैपिटल M लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर जितने भी ऐसे प्रोडक्ट बन रहे हैं, जैसे ढेर सारे मासेस सबको एक एक करके m इंटू उसकी डिस्टेंस सब, जैसे यहाँ पर अगर होगा तो हो सकता है कुछ डिस्टेंस कम होगी, ज़्यादा होगी, या जो भी होगी यहाँ पे, इसीलिए r को एक वेरिएबल की तरह लिया गया है, वो r अपने आप से एडजस्ट होता रहेगा, ठीक है। तो अगर हम ये पूरे प्रोडक्ट को, जितने भी प्रोडक्ट आए होंगे सबको हम सिग्मा यानी सबका समेशन ले लें, सो दिस प्रोडक्ट हैज़ बिकम वॉट, इसी प्रोडक्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओके, कोई बात है, कोई डाउट है, नहीं, सिंपल सी बात, जो भी हम एलिमेंटल मास ले रहे हैं उसकी फिक्स्ड पॉइंट, जो भी आपने फिक्स्ड पॉइंट लिया होगा वहां से डिस्टेंस का स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन, और ऐसे जितने भी एलिमेंटल मास होंगे सबका सेम एडिशन कर देंगे हम लोग, तो वो क्या बन के आएगा हमारा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हाउ टू शो इट, इट इज शोन with I and I is equal to small m r square, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और बात है छोटी सी, देखिए क्या छोटी सी बात है, अगर यही सेम जो हमारा, अगर ये जो हमारा पूरा जो सम आया है m into r square, ये अगर कुछ ऐसा आ जाता, if
आई इज इक्वल टू, यही हमारा कैपिटल एम इंटू सम कॉन्स्टेंट स्क्वायर, कोई नया कॉन्स्टेंट स्क्वायर आ जाता। क्योंकि भाई ये तो पूरा आप पहले मल्टीप्लाई करोगे उसके बाद सबका सम लोगे। अगर ऐसा करने पे हमारा कुछ ऐसा कॉमन आ जाए एम, है ना, कैपिटल एम बन जाए वो, और बाकी कॉन्स्टेंट स्क्वायर आ जाए, कोई कॉन्स्टेंट स्क्वायर आ जाए, यहाँ पे के लिया गया है, ठीक है। तो अगर कुछ ऐसा मिल पाता है हमें, तो इस केस में जो हमारा के है उसका एक बड़ा ही स्पेशल नाम है। उस के का क्या नाम आ जाएगा फिर, हेयर के इज वॉट, के इज रेडियस ऑफ, देखिए थोड़ा मैंने जूम कर दिया, के इज कॉल्ड रेडियस ऑफ जायरेशन। ओके, रेडियस ऑफ जायरेशन याद रखिएगा। ये जो मैंने एक वर्ड लिखा है रेडियस ऑफ जायरेशन, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इस पर बेस्ड एमसीक्यू बनता है। हम लोग जब एमसीक्यू डिस्कस करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक वहाँ पे याद आएगा कि हमने क्या बोला था, ठीक है। वो छोटा सा लिखा भाई रेडियस ऑफ जायरेशन, देख लीजिएगा अच्छे से। ओके, इतना क्लियर है भाई, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एम आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात हो रही, शॉर्ट में लिख दिया मैंने एम आई, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 2D ऑब्जेक्ट्स, 2D ऑब्जेक्ट्स या 2D ऑब्जेक्ट्स को लेमिना भी बोला जाता है। लेमिना वही होता है जो आपका एक एरिया ऑक्यूपाई करता है, लेमिनर बॉडी का मतलब ही होता है एरिया विच ऑक्यूपाइज एन एरिया, ठीक है, लेमिनर ऑब्जेक्ट्स में नहीं बोला जाता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे दो एक्सिस काम करेंगी। देखिए अगर कोई भी हमारे पास बॉडी है, देन बॉडी विल हैव, बॉडी मस्ट हैव, अगर टू डायमेंशनल है तो दो एक्सिस होंगी, ठीक है, ओरिजिन होगा। तो अब अगर कोई आप एलिमेंटल मास लेते हो, कोई भी एक स्मॉल एम मास लेते हो, पूरी बॉडी तो आप जान ही रहो कैपिटल एम, तो अब उसका जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दो फिक्स्ड लाइन के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट किया जाएगा। एक आपका एक्स एक्सिस हो गया और एक आपका वाई एक्सिस हो गया, है ना। तो ऐसे केसेस में हमारे पास दो कोऑर्डिनेट मिलते हैं, एंड दोज टू कोऑर्डिनेट्स आर लाइक एक्स कॉमा वाई एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट्स, है ना, इस टाइप के हमारे जो एलिमेंटल मास मिलते हैं। अब देखिए इसमें हमारे दो केसेस बनेंगे, क्या एम आई विद रिस्पेक्ट टू ओ एक्स एक्सिस एंड ओ वाई एक्सिस, दो एक्सिस मिलेंगे यहाँ पर, क्लियर है भाई। अच्छा ठीक है, तो अब ये ओ एक्स एक्सिस और ओ वाई एक्सिस पे क्या होगा, देखिए बड़ी सिंपल सी बात है आपको बताते हैं। हम लोगों ने पिछले जो स्लाइड में इसमें क्या सीखा था, इस स्लाइड में, कि अगर हमने जो फिक्स्ड लाइन ली है उससे ये जो डिस्टेंस हम लोग देते थे उस एलिमेंटल मास की, वो परपेंडिकुलर होती थी, इजंट इट। अब यहाँ पर भी जरा बात करें, अगर आप एम आई और ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं ओ एक्स एक्सिस, अगर उसके रिस्पेक्ट में निकालनी हो तो क्या होगा, सिग्मा आपका एम तो एलिमेंटल है ही, और अब ओ एक्स की जब आप बात कर रहे हो तो इसके परपेंडिकुलर में क्या है भाई, इसके परपेंडिकुलर में तो इसकी हाइट वाई ली जाएगी ना, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। और अगर एम आई की बात करें हम ओ वाई एक्सिस के थ्रू, तो आप समझ जाओ एम एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बात क्लियर है। वहाँ पे आर डिस्टेंस होती थी, यहाँ पे ये बात हो गई, इजंट इट क्लियर है ना भाई, ठीक है। और अगर एक चीज़ और बात करें हम एक पॉइंट और है, अगर एम आई हम बात करें एक साथ ओ एक्स एंड ओ वाई एक्सिस के, तो ये आता है भाई आपका सिग्मा एम इंटू एक्स इंटू वाई एक साथ, इसे क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू ओ एक्स एंड ओ वाई एक्सिस, जरा सा इसे ध्यान से लिख लीजिएगा, इसे क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू ओ एक्स एंड ओ वाई, याद रखेंगे, मैं स्टार बना देता हूँ, ये याद रखना है आपको सभी कुछ एकदम बढ़िया से, ठीक है, आगे इन सब का काम आएगा, काम होगा, ये आपके प्रिलिमिनरी कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, और ये सब के सब ध्यान रखिएगा, ऑल आर बेस्ड ऑन एम सी क्यू,
ठीक है, व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर, वो सब का सब किस पे बेस्ड होगा भाई? दोज ऑल विल डिपेंड अपॉन योर इन टर्म एग्जामिनेशन। और यहाँ पे अच्छे से कवर करेंगे हम लोग एमसीक्यू को, ओके। अगर आपका एग्जामिनेशन लॉन्ग तरीके से भी होता, जैसे कि हमारे एक स्टूडेंट हैं वो अमिति यूनिवर्सिटी के हैं, तो उनके यहाँ तो अभी जो लास्ट में पेपर हुआ है वो लॉन्ग आंसर टाइप हुआ है। तो अगर आप लोग अदर यूनिवर्सिटीज़ से हैं एंड वहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, उनके लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना दूँगा, ठीक है, सेम चैप्टर के लिए। वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ कि प्रूफ और क्या कहते हैं क्वेश्चंस लॉन्ग आंसर जो जितने मैक्सिमम होते हैं मैं करवा देता हूँ, कोशिश रहती है, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है कि आपको कहीं दिक्कत हो या मैंने वो नहीं कराया, आपको लगता है कि वो आपके कोर्स में है और शायद यहाँ के कोर्सेज में ना हो, तो यू कैन सिंपली टेल मी ऑन आवर टेलीग्राम चैनल एंड आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, ठीक है। मैं हेल्प के लिए ही बैठा हूँ आपकी, और अगर मैं हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ तो क्या मतलब है मुझे इतना समय देने का। सो प्लीज़ टेल मी अबाउट योर यू नो डाउट्स एंड वॉट हेल्प यू वॉन्ट फ्रॉम मी, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए क्या बात होती है भाई, 3D ऑब्जेक्ट्स है बड़ी बढ़िया बात है। देखिए अब हम जो लेंगे बॉडी हमारी वो 3D होगी, 3D ऑब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है। तो चलिए एक बॉडी 3D बना ही लेते हैं फिर अच्छे से। देखिए एक 3D ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया, मैंने स्फीयर ही ले लिया, ज़रूरी नहीं स्फीयर हो, कुछ भी हो सकता है। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पे भी एक 3D आपको एक्सिस बनानी है, 3D एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड दिस जेड एक्सिस। बड़ी सिंपल सी बात है, एक एलिमेंटल मास आप कहीं ना कहीं तो लेने वाले हो एंड विच इज़ ऑफ स्मॉल m इन क्वांटिटी एंड द होल मास इज कैपिटल n, ठीक है। अब देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, आप इसको कहाँ कहाँ से मैच करोगे भाई, आप इसको कहाँ कहाँ से मैच करने वाले हो? आप इसको एक बारी x एक्सिस के परपेंडिकुलर, y एक्सिस के परपेंडिकुलर और z एक्सिस के भी परपेंडिकुलर आपको देखना पड़ेगा, मतलब 3 एक्सिस की बात करनी भाई। तो जरा ध्यान से सुनिए, यहाँ पे क्या होने वाला है, ox एक्सिस, oy एक्सिस और oz एक्सिस, 3 की बात करनी है। तो अगर आप बात करो mi और विद रिस्पेक्ट टू वॉट ox, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो भाई आप ये बताओ एक्स एक्सिस पे आप खड़े हो, तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा, एक्सिस ज़रा ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। अगर ये ओ एक्स एक्सिस है, ठीक है, तो आप परपेंडिकुलर कौन सा ये मिलेगा आपको, प्लेन मिलेगा ना फिर, तो 3D में प्लेन मिलता है, किसी एक एक्सिस के परपेंडिकुलर एक प्लेन होता है। तो प्लेन मत, प्लेन तो दो चीज़ों से मिलकर बना होगा, वाई और जेड। तो यानी जब आप एक्स की बात कर रहे होते हो तो वहाँ पे आपको y और z दोनों ही मिलते हैं, दैट मीन्स कि m ऑफ y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब ऐसे आप बात करो mi ऑफ विद रिस्पेक्ट टू oy, तो आपका y हट जाएगा, तो कौन कौन बचेगा, x और z, याद रखने का तरीका। और जब mi ऑफ oz एक्सिस के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं आप, देन यू विल गेट व्हाट, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इजंट इट, ओके। अब देखिए अगर मैं बात करूँ प्रोडक्ट ऑफ इनर्शियाज की बात करूँ, तो इसके केस में क्या क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शियाज कौन कौन से हैं भाई, यहाँ पे तो 3 बनेंगे, कौन कौन से 3 आपको दिखाता हूँ। देखो सबसे पहला अगर आप mi चाहते हो, किसका किसका, ox एंड oy, तो भैया ये सिग्मा m एक्स वाई, और यही चीज़ अगर आप चाहते हो ओ वाई एंड ओ जेड के लिए, देन यू विल गेट सिग्मा एम वाई एंड जेड। इफ़ यू वांट एम आई प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ ओ एक्स एंड ओ जेड, देन यू विल गेट व्हाट, सिग्मा एम एक्स जेड। क्लियर है, बिल्कुल 2D की तरह ही है ना। और अगर मैं बात करूँ, ये तो एक्सिस पे है, 3D में एक और चीज़ निकल के आता है, ओरिजिन के अबाउट द ओरिजिन, तो उसे मैं यहाँ लिख देता हूँ mi अबाउट ओरिजिन अबाउट ओ। तो भैया हो चलिए नेक्स्ट पेज में देख लेता हूँ उसे, mi
अबाउट ओरिजिन, मतलब ओ जो आपका मिडिल में है एकदम बिल्कुल, तो ये क्या होता है सिग्मा एम ऑफ, अब यहाँ से सबकी डिस्टेंसेस ले लेंगे सारी एक्सिस से, तो ये हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए इसे ही हम लोग आर स्क्वायर बोलते हैं। ओके सो ये आपका ओरिजिन के अबाउट हो जाएगा। अब देखिए एक बड़ा ही सिंपल सा केस आप लोग जानते ही होंगे कि नथिंग एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड 2D, 2D कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर मैं ये बात आपको बोलूँ, अगर आप मेरी बात समझ पा रहे होगे, अगर आपको लगता है कि 2D होता है सर आप गलत बोल रहे हैं, तो आप सिंपल आपके सामने रखा हुआ एक पेज उठाइए, आपको लगता है वो 2D ऑब्जेक्ट है, नहीं उसके पास भी थिकनेस है, हाँ मिलीमीटर्स में होगी। अब उसकी लेंथ और आपकी, अब उसकी 2 डायमेंशन तो आपकी आंखों से दिख ही रहा होगा, तीसरा डायमेंशन आपको देखना पड़ेगा, बहुत पतला पेज होता है सो मिलीमीटर्स में, लेकिन है तो है ना, उसकी हाइट तो है कुछ, एल मिल गया, डी मिल गया, लेंथ ब्रेथ और हाइट, तो आप कुछ भी उठाओगे उसमें तीनों चीज़ें होंगी। हाँ ये ज़रूर कहा जा सकता है वो इतनी कम होगी कि ऑलमोस्ट जीरो होगी, और ऑलमोस्ट जीरो होती है तो उस एक्सिस को हम लोग हटा करके बात करते हैं, दैट मीन्स देयर विल बी 2D 2 डायमेंशन, लेकिन ऐसा होता कभी नहीं है। तो चलिए अगर हम बात करें एक ऐसे प्लेन की, अगर मैं बात करूँ एक्स वाई प्लेन की, ठीक है, और एक्स वाई प्लेन को कहाँ पे बात करूँ 3D में, एक्स वाई प्लेन इन 3D, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, तो ऐसे केस में इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बता सकते हो, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई और जेड तो है ही नहीं, तो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि एक्स वाई प्लेन पे आप खड़े तो जेड की वैल्यू ज़ीरो। तो ऐसे केस में जरा आप सोच के बताइए, मैं यहाँ पे थोड़ी सी कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की, मैं एक्स वाई को, ये हो गया हमारा एक्स, ये हो गया हमारा वाई, एंड दी जेड एक्सिस इज ओवर हियर, एक काम करते हैं इसे थोड़ा सा शेड कर देते जिससे आप केवल 2D मिले, ये आपको 2D दिखना चाहिए, ठीक है 2D दिख गया, ठीक है। अब अगर कोई भी एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे है, यही कोऑर्डिनेट हमारा व्हाट x, y, 0, ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इस पॉइंट पे बैठे हुए एक लैमिनर सॉरी एक एलिमेंटल मास के बारे में बात करनी है। तो एक्स एक्सिस के अबाउट तो बात समझ में आती है कि सिग्मा जो हमारा MI होगा वो हमारा एक्स एक्सिस के अबाउट, अगर बात करूँ मैं वो तो सिंपल मिल जा रहा है एक्स एक्सिस है ना, तो वो तो सिग्मा MY² तो ठीक है भाई चलेगा, ये MI अबाउट वाई एक्सिस की बात कर लें तो वो भी मिलेगा क्योंकि एक्स और वाई की तो लेंथ मिली है मुझे। फिर अगर हम बात करें क्या अबाउट ओ, या अबाउट मैं बात करूं अबाउट ओ बोलूं चाहे अबाउट जेड एक्सिस बोलूं, मतलब आप समझ पा रहे हो, जेड एक्सिस पे तो एक्स और वाई की बात की जाएगी, और आप बोल लो अबाउट ओरिजिन, ये दोनों की वैल्यू सेम ही आती है इसमें, सिग्मा एम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा भाई अब प्रोडक्ट ऑफ इनर्शियाज की बात कर रहे हैं अगर आप, तो जब आप बात कर रहे होते हैं कि MI ऑफ OX एंड OY एक्सिस, तो इसमें तो मिल जाएगा सिग्मा M ऑफ XY, और अगर आप बात करते हैं MI ऑफ OX एंड OZ, चाहे आप इसकी बात करें MI ऑफ OY एंड OZ, तो इन दोनों केसेस में हमारा आंसर कितना होता है 0। बात याद रहेगी, क्लियर है बात, है ना। अच्छा भाई और अगर आप सही से देखें जो हमारा MI आया था, MI कहाँ पे Z एक्सिस वाला, तो वो इक्वल है MI एट X एक्सिस प्लस MI एट Y एक्सिस। आप देख सकते हो यहाँ से, ये देखिए दिख रहा है आपको MI एट X एक्सिस और Y एक्सिस, और ये Z एक्सिस लिखो चाहे ओरिजिन, देखिए अगर आप इन दोनों को ऐड कर दें तो यही तो बनेगा, मैं दिखाता हूँ ऐड करके, ठीक है ऐड कर लीजिए आप, तो ये क्या बनेगा, आप सिंपल सी बात है कि ये सिग्मा MX स्क्वायर है सॉरी MY स्क्वायर है X वाला,
और वाई एक्सिस वाला एम एक्स स्क्वायर। अब जैसे ऐड करोगे यू विल गेट सिग्मा एम कॉमन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये क्या है सिग्मा जेड। तो इसीलिए जब जेड जीरो हो जाता है यानी सिर्फ 2D ऑब्जेक्ट बचता है ना, सिर्फ 2D ऑब्जेक्ट बनता है, तो उनकी टोटल इनर्शिया क्या होती है एम ऑफ जो एक्स एक्सिस वाली प्लस वाई एक्सिस वाली दोनों ऐड हो जाती है। इज इट क्लियर? ठीक है भाई। तो ये जो पॉइंट है बड़ा ही अच्छा है, आपको याद रखना चाहिए कि 2D ऑब्जेक्ट के लिए अगर हमारी जो टोटल सम निकालना होता है 2D ऑब्जेक्ट के लिए तो वो हमारे दोनों के एडिशन के बराबर होता है, ये याद रखिएगा। स्टार मैंने बना दिया। ये भी चीज़ें जितनी भी मैंने यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स बताए हैं दोज ऑल आर इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर योर एंड टर्म एग्जामिनेशन। ओके, ये भी इम्पॉर्टेंट है, और ये तो ओरिजिन वाला है। ठीक है भाई, और देखिए इधर, हाँ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे को लगता है, और ये तो याद हो गया होगा आपको। ये जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए सारे के सारे, और इवन ये जो मैंने कहीं लिखा था रेडियस ऑफ जायरेशन, वो वर्ड बड़ा इम्पोर्टेंट। स्टार तो यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, हाँ यहाँ पे स्टार बना हुआ वैसे, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। ठीक है, देखिए अब हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना सीखने वाले हैं, और कुछ केसेस हैं वो हम लोग को, वैसे मैं तरीका भी बताऊंगा और उसे याद भी करना होगा आपको। MCQ के लिए इसका डायरेक्ट आंसर आना भी आपको ज़रूरी है, कई बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जो फर्स्ट केस है, पहला केस है आपका जो सिंपल है आपके कोर्स में है, विच इज़ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 2A। एक ऐसी रॉड है जो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म सब यूनिफॉर्म वर्ड का यूज़ तभी करते हैं, इसका मतलब वो उसमें जो भी मटेरियल लगा होगा वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, मतलब कहीं से कम या कहीं से ज़्यादा लोहा लगा करके उसे नहीं बनाया गया, वो यूनिफॉर्म है। ठीक है, यूनिफॉर्म वर्ड का यही मतलब होता है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके अंदर का मटेरियल। ठीक है, लेंथ उसकी कितनी है, टोटल 2A, एंड मास जो है उसका कैपिटल M, वही जो हम लोग अभी तक बात कर रहे थे वही है। तो चलिए इसका एक छोटा सा वो बना देते हैं मास को, इसके मास को आपको समझाने के लिए थोड़ा सा मैं बना के दिखा दे रहा हूँ आपको। ठीक है, देखिए मैंने एक काम किया है, एक रॉड बनाई है, रॉड की थिकनेस थोड़ी सी ले ली है मैंने। ओके, रॉड बना दूँ मैं पहले आपके लिए अच्छे से। ठीक, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, थोड़ी कम ज़्यादा लग रही है बट आप समझ लीजिएगा कि एकदम बराबरी से बनी है। ठीक है, अच्छा अब क्या किया भाई, इसकी टोटल जो लेंथ है ये लेट से ए से बी की लेंथ है, एंड दिस इज ऑफ 2A यूनिट। ओके, 2A यूनिट है इसकी लेंथ। अच्छा भाई, अब मुझे बात ये है कि मुझे पता कहाँ से करना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ से पता करना है, इसके किसी एक एंड से यहाँ से पता करना है या मिडिल से पता करना है। इसमें दो केसेस बनते हैं, ठीक है, दो केसेस कौन से, एक मिडिल से और एक पूरा उसके किसी एक एंड से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या टू केसेस है, केस नंबर वन, केस नंबर ए क्या है, फ्रॉम वन एंड, किसी एक एंड से पता करना होता है, या फ्रॉम मिड, कहाँ से पता करना है। ठीक है, तो दोनों केसेस पढ़ते हैं हम। चलिए पहला केस क्या है, फर्स्ट वाला केस, एक मिड से बताते हैं। सो मिड से बताने के लिए मैं यहाँ पे एक एक्सिस बना ले रहा हूँ, ठीक है ना, एक एक्सिस बनाता हूँ मैं, यहीं पे एक्सिस बना दी मैंने। ओके, अब एक काम करते हैं, इस एक्सिस से कुछ दूरी पे एक एलिमेंटल मास ले लेते हैं, जैसा कि हम लोग बार बार बात कर रहे थे, इससे कुछ डिस्टेंस ले लेते हैं यहाँ से, लेट से एक्स डिस्टेंस ले लेते हैं, और यहाँ पे एक एलिमेंटल मास मैंने ऐसे कट कर लिया, और इसकी जो इसका जो वेट है दैट इज टेकन एज स्मॉल m, एंड यू नो दैट द होल मास इज कैपिटल m। ठीक है, अच्छा अब देखिए इस एलिमेंटल मास केवल यहीं, ये जो इस पोजीशन पे एलिमेंटल मास है सिर्फ इसके बारे में तो बात करनी नहीं है, यहाँ पर जो है
यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर मतलब पूरे पे कवर करना है कुल मिला करके मुझे। तो हम पूरा बनाए क्यों, हम एक काम करते हैं ना, हम एक काम ये करते हैं कि हम एक जगह पे मान लिया मैंने, और उसके डिस्टेंस को हम कम ज़्यादा कर लेंगे, मतलब इसी को खींच करके यहाँ ले आएंगे एक समय पे जहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, और एक ही समय पे हम इसको यहाँ 2a तक लेंथ तक ले जाएंगे। मतलब एक्स इज इक्वल टू 0 से लेकर हम कहाँ तक लेके जाएंगे इसको, एक्स इज इक्वल टू 2a तक उठा ले जाएंगे, क्योंकि फिक्स्ड लाइन हमारी यही है ए पे जो बनी हुई है ना। अच्छा देखिए, अब एक काम करते हैं, जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो उसका फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए यहाँ पे जो हमारा एलिमेंटल मास है, अगर इसको हम मान लेते हैं बहुत छोटा है, तो क्या हम इसके आगे डी लगा सकते हैं? मैं डी क्यों ला रहा हूँ, मैं डिफरेंशिएशन, डी मतलब डिफरेंशिएशन को यहाँ पे क्यों ला रहा हूँ, क्योंकि बड़ी सिंपल सी बात है, क्लास 12th में जब हम लोगों को पढ़ाया जाता था तो सिर्फ उसके बेसिक चीज़ें बताई जाती थी, कहाँ पे यूज़ होना है ये नहीं बताया जाता था। वहाँ पे डी फॉर डिफरेंशिएशन का मतलब ये हुआ करता था कि कभी अगर मुझे बहुत बड़े मास के बारे में अगर मुझे पता है, उसका वॉल्यूम पता है, उसका लैमिनर एरिया पता है, या उसकी लेंथ पता है, तो अगर पूरे का पता हो, मुझे छोटे पार्ट का चाहिए, तो हम उसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। डिफरेंशिएशन क्या करता है, चीज़ों को छोटा करता है। लेकिन अगर मुझे छोटे पार्ट का पता है और बड़े पार्ट का चाहिए, तो हम इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने उसको डी में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है भाई। अच्छा डी में कन्वर्ट तो कर दिया, उसका यूज़ कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं। अब ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द लाइन, लाइन का कुछ नेम लिख लो भाई, लाइन का नाम एन ए डाल देता हूँ मैं, एन ए, ओके ठीक है। तो कैसे यूज़ करेंगे, लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन ए क्या होगा, इज इक्वल टू एम इंटू आर स्क्वायर, है ना, एम इंटू आर स्क्वायर। तो क्या होगा भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए, जो हमारा मास है, ठीक है, एक सेकेंड, सिग्मा तो लगाना ही भूल गया, इज इक्वल टू सिग्मा मास हमारा डी एम, और उसकी डिस्टेंस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब डी एम, एम मास है ना, ध्यान से सुनिए, तो अब बताइए जरा हमें मास का फॉर्मूला क्या होता है, मास इज इक्वल टू होता है एम इज इक्वल टू, या आप वैसे मैं बताऊँ आपको, डेंसिटी इज इक्वल टू, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू एक हार्ट बना दीजिए और हार्ट को बीच में से कट कर दीजिए, तो क्या बन के आ रहा है, ऊपर एम बन जा रहा है, नीचे वी बन जा रहा है, यानी मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम तो 3D ऑब्जेक्ट के लिए होता है, तो यहाँ पे डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, अगर लैमिनर बॉडी है तो एम तो ऊपर रहेगा ही, नीचे एरिया हो जाएगा, अगर वो लैमिनर भी नहीं है, अगर वो सिंगल वन डायमेंशन ऑब्जेक्ट है, तो एम अपॉन एल हो जाएगा उसका लेंथ। तो बात समझ में आई, ठीक है, तो यानी आपको डेंसिटी का फॉर्मूला पता चल गया। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम है, या एरिया, या फिर लेंथ। तो भाई ये बताइए, तो मास का फॉर्मूला क्या हुआ, मास का फॉर्मूला इस केस में, वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के केस में, सिग्मा यानी डेंसिटी, या सिग्मा से लिख दे रहा हूँ मैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम तो होगा नहीं, डेंसिटी इंटू लेंथ, ठीक है। तो यहाँ मैं डी एम के अंदर इसे लिखता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, तो मैं इसे ऐसे लिखता हूँ, सिग्मा इज इक्वल टू डी टाइम्स दिस इंटू एल, कितना है इसका, 2a, एक सेकेंड, अगर हम 2a इसकी लेंथ कहाँ से लिख दे रहे हैं, ये हम डीएम के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो डीएम कितनी लेंथ पे है, डीएम एक्स लेंथ पे है ना, हाँ ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर। अभी कि सिग्मा डेंसिटी जो है वो तो कांस्टेंट है, क्योंकि उसने पहले बोला है कि यूनिफॉर्म है, तो सिग्मा बाहर गया, सिग्मा बाहर गया ना, सिग्मा बाहर, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स हो गया इंटू एक्स स्क्वायर। अब ज़रा ध्यान से देखिए, सिग्मा जो है हमारा वो कांस्टेंट है, ठीक है, सिग्मा का फॉर्मूला क्या होगा, वही एम अपॉन वी, एम अपॉन ए, एम अपॉन एल, कुछ भी कह सकते हैं। तो इस केस में अगर हम सिग्मा कांस्टेंट में से बाहर फेंक दें, तो बाहर चला जा सकता है, तो आप फेंक दीजिए से बाहर, ठीक है, उसे आगे लिखते हैं, दैट मीन्स कि सिग्मा गया बाहर, फिर ये वाला सिग्मा भाई, दो सिग्मा हो गया फिर तो, ठीक है, आप समझ लीजिए, समेशन बोल दे रहा हूँ उसको। तो अंदर क्या बच रहा है, एम, सॉरी एम तो गया, क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर डी एक्स आई थिंक, है ना, ये बचा ना भाई, हाँ एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे जब सिग्मा बाहर चला गया, तो सिग्मा का अगेन फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन, यानी हार्ट बना लो भाई, मास अपॉन वॉल्यूम, या मास अपॉन एरिया, या मास अपॉन लेंथ। तो हम यहाँ पे लेंथ की बात करेंगे, यहाँ पे मास हो गया, टोटल मास की बात कर रहे हैं एम, और टोटल लेंथ कितनी हो गई, ए, 2a।
अब ये सिग्मा को हटा रहा हूँ मैं और इंटीग्रेशन को ला रहा हूँ, क्योंकि सिग्मा आपके टीचर ने बताया कि सिग्मा मतलब होता है समेशन, है ना, और समेशन का जो एस होता है उसे ही हम लोग बनाते 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 ये एस ही होता है इंटीग्रेशन तक पहुँच गया, है ना। तो कोई बात नहीं है, अगर हम इंटीग्रेशन तक पहुँच गए तो इंटीग्रेशन का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है भाई। तो ये इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि x की लिमिट्स क्या थी, 0 से 2a, तो चलिए यहाँ पे लिमिट्स भी लिख दीजिए भाई, 0 0 टू 2a, और इसे जल्दी से इंटीग्रेट कर लीजिए पटाख से बिना किसी के देखे। चलिए तो m अपॉन 2a ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, इजंट इट, एक्स क्यूब बाई 3 और 0 से 2a, जरा सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है, तो पूरा सॉल्व कर लीजिए, है ना, पूरा जैसे सॉल्व करेंगे आप तो ये सिंपल से आएगा m इंटू 4a² / 3। सो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वन एंड ऑफ द यूनिफॉर्म रॉड हैविंग लेंथ 2a एंड मास कैपिटल m। इसका b पार्ट भी देख लेते हैं, चलिए mi फ्रॉम मिड। अब भैया फिर से बात करते हैं, फिर से मैं एक रॉड आपके लिए ड्रॉ करता हूँ, ओके एक रॉड ड्रॉ करते हैं, रॉड कुछ अलग तरीके से ड्रॉ करेंगे। देखिए ये हो गई रॉड आपकी, कलर चेंज कर लेता हूँ, कलर चेंज, रॉड विल बी ओके, दिस इज आर रॉड। अभी काम करते हैं, ये लेंथ तो अभी भी इसकी वही है, है ना, लेंथ तो अभी भी वही है 2a, लेकिन जब आप मिडल से बात करोगे तो देखिए क्या चेंजमेंट आने वाला है। आप मिडल से बात कर रहे हो, ये मिडल पे मैं खड़ा हो गया जाकर, दिस पॉइंट इज आई थिंक वी कैन टेक इट एज ओ। अच्छा आप बताओ जरा, ओ से राइट पे मैं मान ले रहा हूँ इसकी लेंथ ए है, टोटल 2a है ना भाई, और ओ से लेफ्ट भी ए है, तभी तो 2a होगी, टोटल 2a होगी लेंथ। अच्छा भाई बड़ी अच्छी बात है। अब मैंने एक एलिमेंटल मास राइट हैंड साइड पे ले लिया और इसका मास स्मॉल m है, या अब मैं बोलूँ तो dm है, ठीक है, dm इंक्लूड कर दिया मैंने। अच्छा इसकी लेंथ जो है यहाँ से वो x है, ठीक है ना भाई। अब एक बात मेरी ध्यान से सुनिए, आपने राइट में इसकी लेंथ x ली है, राइट में यहाँ तक आप जब पहुँचोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव a, क्योंकि जहाँ से आप लोग स्टार्ट करते हो वो ज़ीरो होता है। ये क्या कौन सी पोजीशन है, ये जहाँ पे मैंने फिक्स लाइन ली है, ये x इज इक्वल टू ज़ीरो पोजीशन है। राइट में जाओगे तो x इज इक्वल टू a आ जाएगा और लेफ्ट में जाओगे तो x इज इक्वल टू माइनस a आ जाएगा। तो बाकी सारी चीज़ें वही हैं, बस क्या है हमारी लिमिट्स चेंज हो गई, और लिमिट क्या है m अपॉन 2a तक सेम है, लिमिट हमारी हो गई माइनस a टू प्लस a। इसे थोड़ा सही से लिखेगा, अजीब लग रहा है, एक सेकंड थोड़ा दूर लिख देता हूँ, माइनस a से प्लस a इंटरनल x स्क्वायर dx, आपने फिर से इंटीग्रेट किया m अपॉन 2a एंड x क्यूब बाई 3 माइनस a टू a, और अब जब इसे इंटीग्रेट करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन लगाएंगे, देन यू विल गेट व्हाट m टाइम्स a स्क्वायर बाई 3। सो बात समझिए, mi फ्रॉम मिड क्या है और mi फ्रॉम वन एंड क्या है, दोनों देखिए अलग अलग हैं भाई। mi क्यों अलग है, अच्छा सीधी सी बात है भाई, बड़ी सीधी सी बात है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कैसे मूवमेंट हो रहा है किसी चीज़ का और वो कहाँ से मूवमेंट आप लेना चाह रहे हैं उससे फ़र्क पड़ता है। अब जरा जाइए अपने ही घर पे, आप बैठ के पढ़ रहे होंगे, घर का जो दरवाज़ा है उसको जरा उठाइए, दरवाज़ा सॉरी उठाना नहीं है, उठा नहीं पाएंगे आप, ये यहाँ पे हिंज से जुड़ा होगा, पहले भी मैंने समझाया, और आपका यहाँ पे एक डोर को लॉक करने वाला एक बटन टाइप होगा, आप एक बार यहाँ से इसको प्रेस कीजिए तो बड़े आराम से घूम जाता है और जा करके बंद हो जाएगा, खुल जाएगा। थोड़ा सा मिडिल में आइए, तो थोड़ा सा मिडिल, अब पुश करिए, पुश किया थोड़ा ज़्यादा पावर लगेगा, और थोड़ा उसके कब्जों के पास में उसके हिंज के पास जाएंगे तो और ज़्यादा प्रेशर लगेगा। तो यानी जितना ज़्यादा आप उसके मिडिल में जाएंगे, अगर वन एंड एंड पे है ना, अगर एंड से धक्का देंगे तो बड़े आराम से निकल के जाएगा, ये मिड पे आए तो ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। कहने का मतलब यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे जब आप मिडिल में गए, जब आप मिड में थे तो ये देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ रहा है, एम ए स्क्वायर बाई 3, ठीक है। और जब वैसे देखा जाए, जब हम लोग एक एंड से लगा रहे तो m इंटू 4a² / 3, तो ये बिगर आया ना, ये बिगर वैल्यू आई ना, क्योंकि ऊपर में 4 है, बिगर वैल्यू है, तो ये आपका मूवमेंट बड़े ही आसानी से करेगा, क्योंकि नाम ही मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे
तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ये भी मूवमेंट देगा लेकिन थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा लगेगा, ठीक है। आई थिंक बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। ये हम लोगों ने आज एक पॉइंट पढ़ा है, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट डे में जितने भी हमारे बेसिक हैं सारे हम लोग को पढ़ लेने हैं, ठीक है ना। तब तक के लिए आप वीडियो को शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स में, अगर आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक द वीडियो एज़ वेल, ओके। मेरा लाइक भी गायब हो जा रहा है। लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ कमेंट, ओके, प्लीज़ कमेंट, क्योंकि उससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि आगे हम लोग और वीडियो बना सके। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म करेंगे, ऑलमोस्ट सभी खत्म कर देंगे, और एक वीडियो में हम लोग MCQ भी, नेक्स्ट वीडियो में MCQ कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने प्यारे से चैनल मैथ कट पर। थैंक यू।